आई बैलेंस्ड माय नेम, मेरे किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर ने उन्होंने बोला, सो लाइफ हैज़ बीन गुड सिंस देन, मोर पीसफुल. सो वेरा ऐड किया है, ऑफ कोर्स वीरा वेरा जो कह सकते हो. सो इट जस्ट बैलेंसेस माय लाइफ. बोथ एक्चुअली, बोथ. हम सब लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए मुग्धा गोडसे था ही, बट वेरा ने थोड़ा और अच्छा कर दिया, मतलब और पीस है. इट्स अ ऐड. सो देखो, वी डोंट बिलीव इन एडिंग मुग्धा ए चार ए एंड गोडसे में दो ओ डाल दिए और ऐसा. सो एक नाम ऐड कर दिया, सो इट जस्ट मेक्स इट मोर aesthetically correct also. You've also gone into production with this particular film. What was it that actually attracted you? I mean, was it the script or was it something you just wanted to get back? Because when he came with me with the script, I definitely knew this has to be played by the other girl's character has to be her. And the producer aspect just came along, knowing this is a new platform, digital platform hai, and just thought ki, okay, let's co-produce it and, you know, at least take it to that level. And just as an actor, just want to do good work, so I thought let's support it and do it. So that's the whole agenda, there's nothing major. Okay, you know, film is very promising, especially you know, the climax. हाँ जी. Where you come to know कि she is your daughter or she come to know that you are mother. Okay. ये कैसा experience रहा आपका और एक अलग अवतार में देखने को मिला आपको, you know, जो आपने कभी नहीं किया होगा, एक astrologer और इस तरह से आपका, you know, आपका look, आपका costume, जो आप जी. सो सी, दैट्स वॉट द इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी. जब उन्होंने मुझे सुनाया, इट वॉज समथिंग डिफरेंट. एंड जैसा ये डिजिटल माध्यम है, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, बहुत सारे ऑडियंस देख सकते हैं. पहले हम हमेशा थिएट्रिकल की थिएटर में कौन लोग देखने जाएंगे, तो अभी ये टेंशन नहीं है. यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन योर मोबाइल और इन लैपटॉप. सो ये इट्स ऑल्सो यू कैन एक्सपेरिमेंट. सो हमने ये किया एक्सपेरिमेंट एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी. एंड इवन शी एंड आई वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द शूट कि ये बहुत एक अलग एंड नाइस, एंड हम लोगों ने लाइक आई हैव नॉट प्लेड सच कैरेक्टर, तो आई थिंक इट टर्न्ड आउट वेल एंड दैट्स व्हाट लीव्स एवरीबॉडी विद एक्साइटमेंट. क्यों ऐसा क्यों नहीं करा गया, क्योंकि फिल्म आपने बनाई है, रॉयल स्टैग फिल्म फेस्टिवल है और भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे फिल्में इस तरह की शॉर्ट फिल्म जाती हैं, वेब सीरीज की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ क्यों नहीं लेके गए? डेफिनेटली हम करेंगे, अभी तो बनी है. एंड देन हंगामा प्ले शोड इंटरेस्ट, सो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा प्ले टुमारो 12:00 ऑनवर्ड्स. सो अभी तो शुरुआत है, सो डेफिनेटली इट विल गो टू ऑल द फेस्टिवल्स, विल डेफिनेटली टेक पार्ट एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड. ओके, वेरी गुड. Yeah, Mark. It's in a heart. One question for all three of you. Like, Mugdha, you're playing a crystal gazer. Yes. Have you actually gone and done any of this? Because Bollywood actors have always really focused a lot on numerology, astrology. Ji, ji. सी, ये जो किरदार था क्लेयरवॉइंट, वी कैन कॉल इट, ये ना इंडिया में थोड़े एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग उसमें ज़्यादा प्रभाव है. ये क्रिस्टल है, लेकिन इट्स मोर ऑफ लाइक इट्स वेरी रेयर, बट ऑफकोर्स मैं सब जगह गई हूँ. आई लव दिस फील्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड. आई ट्राई एंड डू ट्राई माई हैंड एट टैरो विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो. सो आई कीप doing all this and I believe in this. That's what why. Have you ever been to a crystal gazer? Or a clairvoyant or a numerologist? Of course, astrologer to gai hongi. Astrologer I have. We of course have a Guruji. We have a family Guruji who looks after our things. But not really. I think it's mom's department more than my department, to be honest. So not really. Okay, Mugdha, since you also, you said that you've been to a clairvoyant also, what have your experiences been? Do you think it's a good start? Yeah, I think it's a fab start, because you know why? I sincerely feel that anything as intriguing, like the ending is like an intriguing ending. Anything with an intriguing ending, you can develop into whichever way you want. You know, so it's like, are they mother and daughter? What is the connotation? You know, so it's a very beautiful. I love the end. Okay, it means there are possibility of 1, 2, episode 3 to go like that. I think it can be a series. It can be anything. That's what I'm saying. It can be, depending on whoever the creative is on this, the writer, director, whoever, they can all conglomerate and, you know, think how to sort of take this forward. Okay.
I mean, they can take it forward in any way possible. So actually, no, I am not very aware. I am on the other side of the camera, so I don't know what are the platforms. I only know that if there is a script, then how should I read it? So I can't say. But now you're pointing out, if there are better things, then they should have taken it. I have no idea. As an actor, I mean, I don't know. I can't comment on that. But what I can see as an actor clearly is that it can be developed in any way possible, any manner possible. And maybe it's good it's come out this way, because I mean, I've just done a series for Alt Balaji called The Test Case. It was released on the 26th of Jan. We are in March. I had a great time doing it. And I think jaise Alt hai, waise hi Woot hai. Jaise Woot hai, waise hi Amazon hai. Amazon hai and Netflix hai. Aise kai cheeze hai is waqt, you know. To ye series ke taur pe, you know, kai bar wo अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज कुछ बनने लगी हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि क्या है भाई. सो समटाइम्स द स्टार कास्ट इज इनफ, समटाइम्स इफ यू शो समथिंग लाइक दिस इज डेफिनेटली मोर देन इनफ आई थिंक, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई थिंक वो भी एक तरीका है जो आप बोल रहे हैं. बट अगर कोई क्लियर है कि यार सीरीज ही बनाना है, देन दिस इज द बेस्ट वे आउट ना. इफ़ यू हैव द मनी एंड यू मेक इट एंड हैव अ स्क्रीनिंग, हैव 10 स्क्रीनिंग्स, इट्स ओके. Thanks.